स्वागत है सुमन किचन में आपका। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट सैलेड। तो फ्रेंड्स, चलिए बताती हूँ फ्रूट सैलेड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कभी भी आप बना के खा सकते हैं, और ख़ासकर इसे हम जब फास्ट रहते हैं उस टाइम अच्छा होता है ये बनाने के लिए। तो अभी शिवरात्रि आ चुका है, तो चलिए इसे बनाते हैं शिवरात्रि के अवसर पे। और चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लिया है, गैस ऑन करके रख लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 लीटर दूध। तो फ्रेंड्स, इसमें दूध को डाल के हम इसे बॉयल करेंगे, और इसे बॉयल होने का वेट करेंगे। उसके बाद से जब दूध बॉयल हो जाए तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पे गैस को कर देंगे और इसे पकाएंगे। और इसे हमें हाफ़ होने तक पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने हाफ़ दूध कर दिया है जला के। उसके बाद से मैं इसे और मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी, और 1/4 दूध हमें कर देना है इसे, और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हाफ़ हो चुका है, और मैं मीडियम फ्लेम पे इसे और पका रही हूँ। तो हमने इसे पका लिया है फ्रेंड्स, दूध को जला लिया है मैंने, 1/4 हमने कर दिया है इसे। तो आप देख सकते हैं ये 1/4 हो चुका है। तो उसके बाद से हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। मैं इसमें कम से कम 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। आपको जितना मीठा खाना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और देख सकते हैं हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, और फैट वाला या विन फैट का। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें जितना चाहे मीठा फीका उतना डाल सकते हैं। अब चीनी को भी हम इसके अंदर मेल्ट कर देंगे चला के इस तरीके से। जब चीनी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे दूध को। तो हमारा चीनी मेल्ट हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ठंडा होने का वेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा दूध ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसमें अपना फ्रूट को डाल लेते हैं हम, और इसी तरीके से ठंडा होने के बाद ही ऐड करेंगे। तो ये 2 बनाना हमने कट कर लिया है ऐसे पीसेज में, और इसे मैं डाल देती हूँ। और 1 एप्पल हमने कट किया है, तो इसे भी ऐसे पीसेज में काट के और डाल देंगे। और 1 अनार हमने कट लिया है, निकाल लिया है उसके बीज को, और हमने कम से कम 1 कटोरी इसमें अंगूर डाला है मैंने। और उसके बाद से थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सारे फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्स कर देंगे दूध के अंदर, और ऊपर से मैं थोड़ा सा इस पे इलायची पाउडर डाल दूँगी, और इसे भी हम चला लेंगे। उसके बाद से मैं सर्व कर लूँगी, और इसे 3 से 4 घंटे तक हम फ्रिज में रख के उसके बाद सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने सर्व कर लिया है, और फ्रिज में रखने के बाद इसके दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और ये हमारे अब सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसे अपने घर पर आप ज़रूर बनाइए इस शिवरात्रि, और इसका लुत्फ उठाइए। थैंक यू।